Hello everybody. Welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, uh, which has so far produced more than 2,200 selections in a time span of just 23 years. Miranam Dr. H.S. Sidhu. I teach Indian economy and international relations teach Abhimanyu Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the UPSC and State Civil Services Preliminary and Main examinations, targeting 2023 20, and uh, 24, which are available uh, through both offline and online mode. Uh, we are providing a seven days free trial class. Also, if you want to join, you may click on the link given in the description. And even at Abhimanyu IS, if you want to uh, join.

क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ओके तो हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आ रही है एक क्राइसिस आ रहा है वैसे वैसे आर एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी एफेक्टेड एज फार एज द प्रोडक्टिविटी इज़ कंसर्न एज फार एज द क्रॉप हेल्थ इज़ कंसर्न एंड As far as the you can say suitability of the climatic conditions to the crops, also. So, uh, various uh, things we hain, droughts ki intensity increase, ho rahi hai, rainfall or floods are becoming more intense and more frequent, also at some places, and uh, sea level is rising now. So, that is also one issue and uh, uh, this uh, uh, you can say uh, this uh, increase in the heat also that is also affecting the crops so uh, that means a climate change ki wajah uh, se agriculture is going to be affected and that is directly related with the food security of the of the various countries or of the world we can say okay and similarly एग्रीकल्चरल प्रैक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डू अफेक्ट द क्लाइमेट आल्सो ओके जैसे हम uh, बात कर रहे हैं कि करंटली एग्रीकल्चर जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली नाइन्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमेशंस इन दर्ल्ड टुडे एंड मोर ओवर जो इंडस्ट्रियल एमेशंस हैं या जो ऑटोमोबिल सेक्टर के द्वारा जो एमिशन की जा रही है वी आर वरीड अबाउट दोज एंड वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू यू कैन से रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम दिस वहीकुलर सेक्टर ओके बट एज फार एज द एग्रीकल्चर इज कंसर्नड उसकी तरफ अभी ध्यान कम है सो दैट इज वाई अगर उन सेक्टर्स की इंडस्ट्री की जब विकुलर एमिशंस अगर कम हो जाती हैं तो इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर की जो रिलेटिव एमिशन है वो इंक्रीज हो जाएगी तो सो दैट मीन्स वी कैन से दैट अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ मोर डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ड्यू टू दैट आल्सो डीफॉरस्ट्रेशन इज ऑल्सो अकरिंग एंड अनसटेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की वजह से जो हमारी लैंड्स हैं वो भी समटाइम्स यू कैन से अनफर्टाइल हो रही हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी में फॉल आ रहा है एंड दिस डेजर्टिफिकेशन इज़ आल्सो ब्रेडिंग तो इन द वे ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट एग्रीकल्चर क्लाइमेट को अफेक्ट करती है क्लाइमेट एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है ये दोनों का बीच में एक इस तरह की जो तो एसोसिएशन बनती है सो so, अब क्या है हमारे सामने एक जो बड़ा इशू बनता है राइट सो वन इशू इज़ द क्लाइमेट चेंज हमने क्लाइमेट चेंज को रोकना है एंड दूसरी तरफ जो हमारे सामने इशू है दैट इज़ द फूड सिक्योरिटी विच इज़ द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है ओके okay? सो so, अब हमने फिर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को देखते हुए हम एग्रीकल्चर uh, को रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते बट दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज है दैट डिमांड्स के समथिंग शुड बी डन ओके अगर हम क्लाइमेट uh, चेंज के पेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं या क्लाइमेट चेंज के पेस को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो फॉर दैट परपज समथिंग नीड्स टू बी डन ओके सो इसी संदर्भ में ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर निकलती है तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मीनिंग ये है कि अब एक तरफ फूड फूड की नीड है फूड सिक्योरिटी चैलेंज है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है इन दोनों के बीच में हाउ टू स्ट्राइक ए स्मार्ट बैलेंस सो दैट हम एग्रीकल्चर करें बट हम क्लाइमेट को हार्म होने से रोकें या कम से कम आम हो क्लाइमेट का ओके okay? जितना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम उसको मिनिमाइज़ करें तो ये जो हमने एक स्मार्ट बैलेंस स्ट्राइक करना है ये हम अपनी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंजेस के थ्रू ही कर सकते हैं सो तो वो जो प्रैक्टिस है दैट इज़ एक्चुअली द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ओके तो जैसे यहाँ वर्ल्ड बैंक तरफ से बताया गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप्स क्रॉप लैंड लाइव स्टॉक फॉरेस्ट एंड फिशरीज दैट एड्रेस द इंटरलिंकड चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट तो वो क्या कहते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लैंडस्केप्स को मैनेज करना है हमने विच इंक्लूड्स द क्रॉप लैंड लाइव स्टॉक है फॉरेस्ट हैं फिशरीज हैं इनको हमने मैनेज करना है कुछ ऐसे के हम जो इंटरलिंक्ड चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के एंड क्लाइमेट चेंज के हम इनको एड्रेस कर पाएँ तो दिस इज वॉट इज द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सो यही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ओके अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों है बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड ओके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2020 में जो पब्लिश हुई थी वो क्या कहते हैं नियरली सिक्स हंड्रेड नाइन्टी मिलियन पीपल एट पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर हंगरी ओके वो कहते कि सिक्स हंड्रेड नाइन्टी मिलियन पीपल हैं जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का एट पॉइंट नाइन परसेंट बनते हैं दे आर हंगरी एंड अप बाय नियरली सिक्सटी मिलियन इन फाइव ईयर्स वो कहते हैं के कि ये जो हंगरी लोग हैं इनका जो नंबर है वो पिछले फाइव ईयर्स के अंदर अंदर कितना इंक्रीज़ हो गया है सिक्सटी मिलियन इंक्रीज़ हो गया है एंड बाय ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी वर्ल्ड नीड्स टू प्रोड्यूस सेवेंटी परसेंट मोर फूड टू फीड एन एस्टिमेटेड नाइन बिलियन पॉपुलेशन कहते कि 2050 तक मींस 2050 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है दैट विल इंक्रीज टू नाइन बिलियन एंड टू फीड दैट पॉपुलेशन

वेदर वेरिएबिलिटी शिफ्टिंग एग्रो इकोसिस्टम बाउंड्रीज इन्वेजिव क्रॉप्स एंड पेस्ट्स जो हैं उनका नंबर बढ़ रहा है एंड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आल्सो तो ड्यू टू ऑल दिस द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर एंड ड्यू टू विच द क्रॉप यील्ड और द प्रोडक्टिविटी इज़ फॉलंग दैट इज़ वी कैन से डिमिनिशिंग ओके एंड दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर अफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज ये भी मैंने एक्सप्लन कर दिया है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल हैं जिसकी वजह से डाइजर्टिफिकेशन uh, भी हो रही है लैंड भी खराब हो रही है इनवायरमेंट भी खराब हो रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस केमेशन भी इनक्रीज हो रही है ड्यू टू दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ इनक्रीजिंग

and the second thing is enhanced resilience. okay, humility. resilience uh, to make the agriculture more resilient, we can say, by reducing its vulnerability to drought, pests, diseases, and other climate-related risks and shocks. okay, so when okay, uh, climate change hoge. droughts, ki-intensity, badage. droughts. का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा एंड पेस्टस डिजीज नई नई आएंगी ओके okay? एंड और क्लाइमेट चेंज uh, से रिलेटेड रिस्क जैसे टेम्परेचर uh, बढ़ने से क्रॉप्स का डैमेज होता है तो दैट इज़ वाई एंड फ्लड की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी रेनफॉल का जो यू कैन से जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रही हैं ये सब क्लाइमेट चेंज uh, से रिलेटेड रिस्क हैं तो इन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क को हमने एड्रेस करना है ओके एंड इन द वेक ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क कैन से हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है इनफैक्ट सो दैट इज़ वाई हमें रेजिलियट बनाना पड़ेगा हमारी एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसड एमिशन दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है हमें उसको देखते हुए क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर, करने के लिए टू रेस्ट्रिक्ट द पेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज वी कैन से ओके सो वी नीड टू रिड्यूस द एमिशंस एज वेल ओके वी नीड टू रिड्यूस द एमिशंस एज वेल ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एज फार एज द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज कंसर्न वन इज द देट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फार्मस क्रॉप्स लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर कैप्चर फिशरीज टू बैलेंस नीयर टर्म फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड नीड्स विद प्रयोरिटीज टू अडेप्टशन एंड मिटिक देखो बात यहाँ ये उठती है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ओके okay? जिसको मैंने एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में रखा है हमें क्या क्या करना पड़ेगा फार्म्स की मैनेजमेंट क्रॉप्स लाइव स्टॉक एक्वाकल्चर कैप्चर फिशरीज की एक तो मैनेजमेंट हमें ढंग से करनी पड़ेगी दूसरा है इको सिस्टम एंड लैंडस्केप मैनेजमेंट टू कंजर्व इको सिस्टम सर्विसेज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अडेप्टशन एंड मिटिगेशन हमें ये भी करना पड़ेगा तीसरा है सर्विसेज फॉर फार्मर्स एंड लैंड मैनेजर्स टू एनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्लाइमेट रिस्क इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन एक्ट एक्शंस ओके हमें जो फार्मर्स के लैंड मैनेजर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगी हमें उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा सो so दैट वो बेटर मैनेजमेंट कर सकें और जो क्लाइमेट रिस्क है ओके okay, हम उसको यू कैन से मिटिगेट कर सकें दैट इज़ द पॉइंट चेंजेस इन द वाइडर फूड सिस्टम इंक्लूडिंग डिमांड साइड मेजर्स एंड वैल्यू चेन इंटरवेंशन दैट एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इसके साथ साथ हमें हमारा जो फूड सिस्टम है हमें उसमें चेंज करनी पड़ेगी वी नीड टू टेक सम डिमांड साइड मेजर्स आल्सो एंड वी नीड टू डू सम वैल्यू चेन इंटरवेंशंस आल्सो सो दैट हम फूड सिक्योरिटी को इनहानस uh, कर सकें और जो क्लाइमेट चेंज है हम उसको भी स्लो डाउन कर पाएँ सो दैट मीन्स दिस इज ऑल अबाउट आई एम सेंग अगेन

एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू